पॉजिटिव करनी है। और सचमुच एक दो दिन में इतना आनंद आने वाला है, पहले जो आपने सुना था उससे भी बहुत सारी चीजें आपको मेटेरियल मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं, कल से हम अमृत वेला करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो इस अमृत वेला में स्पेशल कमेंट्री होगी जो आत्मानुभूति का, बाकायदा टॉपिक लिखा हुआ है। पहले हमारी योग की अनुभूति होगी, फिर उसके बाद संस्कार परिवर्तन, फिर उसके बाद मन के संकल्प का योग का प्रयोग, फिर उसके बाद फरिश्ता का प्रयोग, फिर उसके बाद देवता कैसे बनेंगे, अनुभव भी साथ साथ करेंगे। ये सारी बातों को करने के लिए अमृत वेला का महत्व तो बहुत जरूरी है। आप देखेंगे अमृत वेला जो करते हैं और जिस तरीके से करते हैं बहुत अच्छा, ड्रामा में जो भी हो रहा है बोलो ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा, मुस्कुरा के बहुत अच्छा। लेकिन अभी कल जो अमृत वेला करेंगे वो आपके लिए एक वरदानी स्वरूप बन जाएगा। आप जो कहते हैं ना कि बुद्धि भटकती है, अटकती है, लटकती है, आप सचमुच आप जब बैठोगे आपको महसूस होगा बाबा की किरणों की शक्ति आपके ऊपर कितना बरस रही है। तो हमने जो भी एक्शन किया हमारे संस्कार बिगड़ गए हैं, अभी हम कुछ ऐसे एक्शन करें जो हमारे संस्कार सुधर जाए। बाबा उसी के लिए मुरली हमें सुनाते हैं, है कि नहीं? एक भाई मुझे मधुबन में मिलता है तो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, बताओ थोड़ा। सिर्फ एक्शन सामने ही है, दोनों चीज से हमारे संस्कार बनी है। दोनों चीज से, दोनों चीज कौन सा कौन सा? साउंड और एक्शन। आपको किसी, आपने देखा कभी किसी को क्रोध करते हुए ऐसे? ओके, ये पता नहीं कौन सी कमेडी कर रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर साउंड जोड़ दिया जाए, सामने करता है या नहीं करता, समझ लो। आप टीवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो बोलो? टीवी में सिर्फ पिक्चर आ रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, मजा आएगा? तो आप ऐसे से कर रहे हो, मेरे का ट्रेनिंग चल रही है। अगर परफेक्ट अनुभव करना है तो एक्शन और साउंड बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये योग घंटी वो अग्नि है जो आपको तेज प्रकाशमान बना देगा सचमुच।